नमस्कार, मैं अश्वानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। तवांग में हुई हिंसक झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में बयान दिया कि राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर को यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा कि इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें आईं। कोरोना वायरस के बाद अब देश में जीका वायरस ने भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक में इसका पहला मामला सामने आया है। 5 साल के बच्ची में जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 साल की बच्ची के जीका वायरस से संक्रमित होने के बाद एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। 13 दिसंबर 2001, यही वो तारीख है जब एक सफेद एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। आज संसद भवन हमले की 21वीं बरसी है। 21 साल बाद भी संसद पर हुए आतंकी हमले की यादें ताजा हैं। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे, जबकि 5 आतंकी भी मारे गए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से बयान जारी में कहा गया है कि हम ओआईसी के महासचिव के पीओके जाने और दौरे के समय जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी की सख्त आलोचना करते हैं। हम फिर कहना चाहते हैं कि ओआईसी का जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। यह भारत का एक अखंड हिस्सा है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल और हस्तक्षेप की कोई भी कोशिश पूरी तरह अस्वीकार्य है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्वेरली ने सोमवार को कहा कि हम चाहते हैं कि ब्राजील, जापान, जर्मनी और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व के साथ भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों में शामिल हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली सरकार में पदभार ग्रहण करने के बाद से विदेश नीति संबंधी अपने पहले प्रमुख भाषण में जेम्स क्वेरली ने यह बात कही। पिछले बजट में इन स्पेस के लिए 33 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस बार स्पेस से जुड़े स्टार्टअप्स का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 100 करोड़ रुपए का आवंटन यूनियन बजट 2023 में कर सकते हैं। इससे स्पेस इंडस्ट्री नई ऊंचाई हासिल करेगी। भारत की 3,560 कंपनियों में चीनी डायरेक्टर हैं। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि देश में 174 चीनी कंपनियां विदेशी कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिनका मंत्रालय के साथ भारत में कारोबार है। नए शिक्षण सत्र में स्नातक करने के लिए 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष पढ़ाई करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार को इसका ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेड फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। दावा किया गया है कि नई व्यवस्था से छात्रों को विदेशी संस्थानों, दाखिले और बाहर जाकर रोजगार के लिए ज्यादा सुविधा होगी। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिसर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से एक उपहार गांधी की पहली मूर्ति होगी, जिसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से बीते 11 महीने में 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई है। इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक बाबा विश्वनाथ को 27 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया गया है। लोकार्पण के बाद से अब तक 40 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा गया है। नए वर्ष के पहले दिन 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, तो वहीं सावन के महीने में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1.25 करोड़ था। ICAICA फाउंडेशन एग्जाम 2022 गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने ICAICA फाउंडेशन परीक्षा दिशा निर्देश पेपर 1 के लिए जारी किए गए हैं। ICAICA फाउंडेशन परीक्षा पेपर 1 14 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे से आयोजित करेगा। इग्नू ने दिसंबर प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 के लिए प्रायोगिक परीक्षा की तारीखों और शेड्यूल की घोषणा कर दी है। यह टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर रिलीज कर दिया गया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2022 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। वे कैंडिडेट्स जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के AIEBE एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए AIEBE की ऑफिशियल वेबसाइट का पता allindiaexamination.com पर है। भारत पे के पूर्व सीईओ और शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन के जज रहे अश्विन ग्रोवर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो अपनी किताब को लेकर आजकल चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी किताब का नाम दोगलापन रखा है। वो लगातार अपनी किताब का प्रमोशन करने के लिए अनोखा प्रमोशन कर रहे हैं। किताब के प्रमोशन के साथ ही अश्विन ने भारत पे के मौजूदा सीईओ सुहैल समीर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिले वोट के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने योग्य बनी आम आदमी पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपने पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग सेक्टर में झड़प हुई है, जिसके बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के पड़ोसी मुल्क चीन ने कहा है कि सीमा पर स्थिति नियंत्रित है। चीन के बयान से पहले संसद में जोरदार हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद को बताया कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगसे क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एकतरफा प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें लौटने के लिए मजबूर किया। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे 3 लोग आए और सुषमा बड़ाइक को गोली मारकर भाग गए। तत्काल उसे मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सुषमा बड़ाइक ने पूर्व IGPS नटराजन का यौन शोषण का आरोप लगाया था। भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुए झड़प को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा में हंगामा जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया में अपना बयान जारी करते हुए कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा में आज विपक्ष ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ। एक्टर अक्षय कुमार की साल 2022 में आई लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा पाने में नाकामयाब रही। हालांकि एक्टर के पास अभी भी कई बड़ी फिल्में हैं जिनके साथ अक्षय एक बार फिर अपना जादू बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिस्ट में फिल्म सेल्फी भी शामिल है, जिसकी घोषणा अक्षय ने साल की शुरुआत में ही कर दी थी। अब उन्होंने एक और अपडेट शेयर की है। न्यूजीलैंड के युवा अब सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। सिगरेट की लत से देश के भविष्य को बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने मंगलवार को एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा और न बेचा ही जा सकता है। कानून के तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल बढ़ाई जाती रहेगी। पैगाम इंसानियत सोसाइटी द्वारा उज्जैन में पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता को स्थगित करने के लिए गृहमंत्री ने SP को निर्देश जारी किए हैं। प्रतियोगिता में केवल गैर हिंदुओं को प्रवेश देने की बात की गई थी। निबंध लिखने पर इनाम की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आपत्ति जताई थी। रेलवे की तमाम कोशिशों के बावजूद चलती ट्रेनों में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। हर महीने 2 से 3 पत्थरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी पत्थरबाजी करने वालों का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पत्थरबाजी के बाद रेलवे पत्थरबाजों को खोज ही नहीं पाती है और घटना को अंजाम देने के बाद वे आराम से घूमते रहते हैं। बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा सेठी के पति राज कुंद्रा को मंगलवार को पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने मामले में राज कुंद्रा समेत 4 अन्य को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। कोर्ट से जिन अन्य आरोपियों को राहत मिली है उनमें एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे भी शामिल है। इस मामले में उनके खिलाफ कथित तौर पर अश्लील वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करने का मामला दर्ज है। इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव जनरल एच इब्राहिम ताहा के POK के दौरे को लेकर भारत ने कई प्रतिक्रिया दी है। उनके पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर का दौरा करने और जम्मू कश्मीर पर टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को भारत ने कहा कि इस संगठन का इस क्षेत्र से जुड़े मामलों से कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ अपनी मच अवेटेड फिल्म 2018 का टीजर रिलीज कर दिया है। फिल्म का टीजर साल 2018 में केरल में आए भीषण बाढ़ की दर्दनाक और डरा देने वाली तस्वीर नजर आ रही है। फिल्म 2018 का निर्देशन जूड एंथनी जोसेफ ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस, कुंचाको बोवन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवासन, अपर्णा बालमुरली, कलैया रास नारायण लाल, इंद्रांस आदि अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाले बेंच से खुद को अलग कर लिया है। बिल्किस ने गैंग रेप के 11 दोषियों की रिहाई पर विचार करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट के 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की गई थी दिल्ली में संसद पर हुए हमले के मंगलवार को 21 साल पूरे हो गए। संसद भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज दोपहर 2 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। भूकंप की गहराई जमीन से 59 किलोमीटर नीचे थी। ट्विटर ने अपना अपडेटेड अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अब सभी वेरिफाइड अकाउंट को केवल ब्लू टिक नहीं मिलेगा, बल्कि इनमें 3 कलर कैटेगरी बांटी गई है। कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा। इसके अलावा सभी चेक एक्टिवेट होने से पहले मैनुअली चेक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस साल यानी 2022 में सुरक्षा बलों ने 56 विदेशी आतंकियों को मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DGP दिलबाग सिंह ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादी रैंकों में शामिल होने वाले 102 स्थानीय युवाओं में भी 86 का सफाई कर दिया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रौनक, KK सिन्हा, अखिलेश यादव, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद नौशाद रजा, भान प्रकाश मौर्य, जितेंद्र ठाकुर।
इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि तवांग में हुए भारत और चीन के हिंसक झड़प पर आप क्या कहना चाहेंगे। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।